पढ़ाई और ज्ञान के बलबूते शादीशुदा महिलाओं ने देश के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस और पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव हासिल किया। हम बात कर रहे हैं देश के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ और पहली महिला डॉक्टर आनंदी जोशी की। बच्चे की मौत से आहत 14 साल की मां ने डॉक्टर बनने की ठानी और वो देश की पहली महिला डॉक्टर बन गई। तो 20 साल की शादीशुदा महिला ने पढ़ाई शुरू की और दो बच्चों की मां बनकर अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। हालांकि जस्टिस लीला सेठ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका 2017 में निधन हो चुका है, लेकिन उनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल रही है कि कैसे 20 साल की एक शादीशुदा महिला पढ़ाई करना शुरू करती है, दो बच्चों के साथ वकालत की प्रैक्टिस करने घर से निकल पड़ती है और फिर वो 1991 में देश के एक हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस होने का गौरव हासिल करती है। 2015 में एक नामी प्लेटफॉर्म को अपनी कहानी बताते हुए जस्टिस लीला सेठ ने अपनी जिंदगी के खास किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 20 साल में मेरी शादी हो गई थी और 1954 में मेरे पति का तबादला लंदन में हुआ। मैंने लंदन में 3 साल तक रहने का फायदा उठाया और लॉ की पढ़ाई की। जब मैं भारत लौटी तो ये जरूरी था कि मैं किसी सीनियर वकील से ट्रेनिंग लूं। अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी था, तो मैं उस समय के बेस्ट लॉयर सचिन चौधरी के पास पहुंची, लेकिन उनके यहाँ काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बहादुरी के साथ उनका सामना किया। मैंने उनसे कहा कि मैं लॉ ज्वाइन करना चाहती हूँ और वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, लेकिन वो महिलाओं के कानूनी पढ़ाई के फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा कि युवा महिला इस कानूनी पेशे को ज्वाइन करने की जगह जाओ और शादी करो। मैंने कहा मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आपको बच्चे होने चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरा पहले से ही एक बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि ये उस बच्चे के साथ आप गलत कर रही हैं, आपको दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, वो अकेला रह जाएगा। तो मैंने कहा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप आइए मेरा चैम्बर ज्वाइन कीजिए, आप जिद्दी युवा महिला हैं और आप यहाँ बेहतर काम करेंगी। 20 साल वकालत की प्रैक्टिस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मैं जज बनी और 1991 में देश के पहले राज्य हाई कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस बनी और वो था हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट। वो आगे कहती हैं कि जब मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी हुई। उस वक्त मेरे मंगेतर और ससुराल वालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की। हमने बहुत सादगी के साथ समारोह किया जिसमें वनीला आइसक्रीम और नमकीन काजू मेहमानों को खिलाए गए, लेकिन तब भी हम बहुत खुश थे और आज मैं पिछले 64 सालों से एक खुशहाल शादीशुदा की जिंदगी जी रही हूँ। लखनऊ में साल 1930 में जन्मी लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1958 में लंदन बार की परीक्षा पास की थी। जुलाई 1978 में लीला सेठ को न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई और अगले ही साल दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वो भारत में किसी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी। लीला सेठ को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और तब ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला को किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला था। इतना ही नहीं, लीला सेठ ने बतौर जस्टिस कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जस्टिस लीला सेठ निर्भया हत्याकांड के बाद बलात्कार से जुड़े कानूनों को नई शक्ल देने के लिए बनी 3 मेंबर वाली जस्टिस वर्मा कमेटी में शामिल थी। वो 2000 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंट की गई थी। जस्टिस लीला ने हिंदू सेक्शन एक्ट में बदलाव में अहम किरदार निभाया जिसके तहत परिवार की प्रॉपर्टी में बेटियों को भी हक दिया गया। अब बात करते हैं उस शख्सियत आनंदी जोशी की जिसने 150 साल पहले डॉक्टर बन दिखाया। आनंदी गोपाल जोशी की महज 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो माँ बन गई, लेकिन बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। संतान की मौत का दुख आनंदी को इतना हुआ कि उन्होंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय कर लिया और फिर इसके बाद वो डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ी। आनंदी ने 14 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आनंदी को विदेश जाना पड़ा क्योंकि तब भारत में महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं थे। आनंदी के पति ने साल 1880 में मशहूर मिशनरी रॉयल वाइडर को एक पत्र भेजा। यहाँ से जानकारी मिली तो वो मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। आनंदी ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और 21 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की।
21 साल की उम्र में डॉक्टर बन एमडी की डिग्री के साथ आनंदी भारत लौटी और कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिलाओं वार्ड में प्रभारी चिकित्सक के तौर पर काम किया। हालांकि कुछ दिनों तक डॉक्टरी करने के बाद आनंदी टीबी की शिकार हो गई और फिर 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई करके देश का गौरव हासिल किया और देश का गौरव बनी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।